अपने अपराजिता प्लांट्स के लिए टोपियारी बनाई। ये एक बहुत ही शुभ पौधा है, घर में इसे लगाना बेहद शुभ होता है। खास बात है अपराजिता के पौधे में कि इसको आपको बढ़ने देना है, जो बढ़ती हुई ब्रांचेस है उसी में कलियां बनती है। बार बार इसको प्रून करेंगे तो आपको फ्लावर्स नहीं मिलेगा। जो है किलो के हिसाब से मिलता है। तो बड़ा गमला मैंने ले लिया और ये वायर हमने बेंड लगा दिए दो, थोड़ा सा ऑर्गेनिकली बीच बनाना होता है। और ये हम लोग थोड़ा सा जो आती भी गैलोस है ये मैं देखूंगी। हो चुका है हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल गार्डन नॉलेज। दोस्तों हाल ही में मैंने अपने अपराजिता प्लांट्स के लिए टोपियारी बनाई हूँ और आज उसी टोपियारियों को मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जो टोपियारी है ये देखने में काफी सुंदर है, बनाने में बहुत ही आसान है और खर्चा जो है वो ना के समान है। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अपराजिता का प्लांट जो है एक बेल है, ये एक बहुत ही शुभ पौधा है, घर में इसे लगाना बेहद शुभ होता है। लेकिन अपराजिता का जो पौधा है उसको चढ़ाने के लिए एक सपोर्ट की जरूरत होती है, इसीलिए लोग अक्सर इसे ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां इसको बहुत आसानी से चढ़ने के लिए जगह मिले, जैसे कि किसी बड़े पेड़ के नीचे हो गया या कोई जालीदार जगह जहां इसे बहुत आसानी से ये चढ़ पाए, या अगर ऐसा कुछ नहीं है तो कोई डंडे वगैरह से इसको सपोर्ट देनी होती है। लेकिन कई फ्रेंड्स ऐसे हैं जो इसको इसीलिए लगाते नहीं है क्योंकि उनके पास जगह की कमी है, ऐसे उनके पास जगह नहीं है जहां वो ऐसी लद वाले पौधे को चढ़ा पाए। तो इसका जो सोल्यूशन है कि टोपियारी में अपराजिता के पौधे को चढ़ा सकते हैं। और एक जो खास बात है अपराजिता के पौधे में कि इसको आपको बढ़ने देना है, जो बढ़ती हुई ब्रांचेस है उसी में कलियां बनती है और हमें फूल मिलता है। अगर आप बार बार इसको प्रून करेंगे तो आपको फ्लावर्स नहीं मिलेगा क्योंकि इसके जो डालियां है, जो ग्रोइंग ब्रांचेस है उसी में फ्लावर्स आती है। तो इसीलिए सपोर्ट सिस्टम की खास जरूरत पड़ती है। और अगर आपके पास जगह की कमी है, बड़ा पेड़ नहीं है जिसके नीचे आप अपराजिता के प्लांट को लगा पाए, या आपके पास ऐसा भी कोई खिड़की नहीं है जहां आप अपराजिता के प्लांट को चढ़ा पाए, तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप टोपियारी बनाए। और मैं जो आज आपके साथ ये टोपियारी शेयर करने जा रही हूँ फ्रेंड्स, देखने में तो सुंदर है ही, खर्चा जो है वो ना के समान है और बनाना में कोई झंझट नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से हम इस टोपियारियों को बनाते हैं। फ्रेंड्स, टोपियारी बनाने के लिए हमें चाहिए इस तरह की वायर्स, और ये वायर जो है किलो के हिसाब से मिलता है, 200 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 300 रुपए किलो। ये जो रेट है ये इसकी मोटाई के ऊपर होता है। तो ये देखिए, ये जो वायर्स हम लोगों ने खरीद के लाए ये 200 रुपए किलो के हिसाब से लाया गया है। और सिर्फ अगर आप 50 रुपए के भी वायर्स खरीद के लाते हैं तो 4 से 5 टोपियारी या उससे ज्यादा टोपियारी आप बना सकते हैं। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा अपराजिता का प्लांट है। ये देखिए एक फूल आज खिला भी है और किस हिसाब से ये ग्रोथ हो रही है, बहुत स्पीड में ये ग्रो कर रहा है। तो इसको आज हम लोग रिपोर्ट करेंगे। रिपोर्ट करने का ये रीजन है कि मैं इसका एक टोपियारी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा गमला मैंने ले लिया और ये वायर आपको मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं थिकनेस वायर का, ऐसे वायर्स आते हैं बहुत सस्ते में, आपको ऐसे वायर्स मिल जाते हैं, किलो के हिसाब से मिलता है। और इससे थोड़ा पतला थोड़ा मोटा कैसे भी आप वायर ले सकते हैं। और ये देखिए, ये वायर ऐसा है, इतना थिक है कि ये आपका जैसे आप उसको शेप देंगे वो वैसा ही रहेगा। तो आप इधर नीचे देख सकते हैं, ये थोड़ा सा हम लोगों ने इसको स्ट्रेट इधर से हमने बेंड लगा दिए दो, ये हाथ से ही बेंड हो जाती है और ये ऐसे स्ट्रेट रखा। और ये दोनों हम लोग जो ये गमला है, आप ये गमला देख सकते हैं, ये गमला में दोनों साइड में हमने इस तरह इसको फंसा देंगे। तो ये देखिए इस तरह, और यहाँ क्या करेंगे, दो पत्थर रख देंगे बड़े बड़े थोड़ा सा वो होने के लिए। और उसके बाद जो ये पौधा है इसको मिट्टी के साथ, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मिट्टी के साथ इसमें प्लेस कर दूंगी और बाकी जो सॉइल मिक्स है उससे इसको भर दूंगी।
तो नीचे आप देख सकते हैं जो भी पत्ती खाद वगैरह रहता है उसी से मैं इतना इसको फिलअप कर दी हूँ। ये देखिए, ये ऐसे पत्थर, ऐसे मैं इसको दबा दूंगी पत्थर से दोनों साइड। और इधर भी सेम ऐसे पत्थर रख दूंगी ताकि ये हिले नहीं। ये देखिए, अगर आपका आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप जो ऑलरेडी प्लांट है गमले में उसमें भी इसको ऐसे फंसा सकते हैं। तो मुझे ऐसे भी इसको थोड़ा बड़ा गमला देना था तो मैं इसलिए पहले ही इसको डाल दे रही हूँ, थोड़ा पत्थर से फंसा दे रही हूँ। तो उसके पहले मैं पॉटिंग मिक्स आपको दिखा देती हूँ। ऐसे तो मैं बोल सकती हूँ ये जो अपराजिता का पौधा है ये एक नोकेयरिंग वाली प्लांट होती है, और आपको जब आप रिपोर्ट करते हैं तभी उसमें थोड़ा सा आप वर्मी कंपोस्ट हो गया या गोबर खाद ऐसे कुछ आप मिला दीजिए, और वेल ड्रेन रखिए मिट्टी को, क्योंकि गमले में लगा रहे हैं जमीन में लगता है तब तो कुछ केयर करने की जरूरत नहीं, कोई सॉइल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है होती है, खाद वगैरह भी देने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन गमले में अगर आप लगाते हैं क्योंकि उसका जो खाने का स्रोत होता है वो ये गमले का मिट्टी ही होता है, इसीलिए आपको गमले के मिट्टी को थोड़ा सा ऑर्गेनिकली रिच बनाना होता है। तो इसके लिए मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए, ये जो सॉइल है इसमें गोबर खाद मिलाया हुआ है और भुरभुरा है मिट्टी, देखिए। और ये गोबर की खाद मैं आपको, ये देखिए इस तरह गोबर की खाद मिलाया गया है। और ये हम लोग थोड़ा सा जो सीवीड ग्रैन्यूल्स है ये मैं दे दूंगी, बोन मील वगैरह दे सकते हैं लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ, पूजा वगैरह में हम लोग ये फूल को यूज करते हैं तो मैं नहीं दे रही हूँ। और ये देखिए, ये वर्मी कंपोस्ट है, और वर्मी कंपोस्ट भी आप चाहे तो मिक्स कर सकते हैं। ऑलरेडी मेरा रिच है मिट्टी क्योंकि गोबर खाद भी बहुत अच्छा रहता है, और थोड़ा बहुत आप मिला भी सकते हैं वर्मी कंपोस्ट। ग्रैन्यूल्स को मिलाना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इसमें इससे मिलता है, और जो अपराजिता का पौधा होता है वो बारह मास लगभग फ्लावरिंग करता है, सिर्फ विंटर में कुछ टाइम ये ब्लूमिंग नहीं करता है। और तो ये क्या है, स्लो रिलीज करते रहता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते रहता है पौधे को, तो इसलिए ये कुछ दाने हम लोग मिला देंगे। तो इतना ही करना है फ्रेंड्स, तो चलिए जल्दी से रिपोर्ट कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे करके नहीं उठाना है, इसको थोड़ा सा लूज कर देंगे। उसके लिए आपको पहले से इसको मॉइस्चर बना के रखना है ताकि इजीली ये निकल जाए। तो इस तरह थोड़ा सा टेरेस गार्डन में कर रही हूँ तो गंदा होने से बहुत दिक्कत रहता है, तो इसीलिए थोड़ा सा कुछ बिछा लेने से सही रहता है। तो इसको मैं इस तरह थोड़ा सा लूज कर लेती हूँ। किसी भी औजार के मदद से आप ऐसे साइड में, अगर नहीं निकल रहा होगा तो इस तरह, देखिए थोड़ा सा निकल गया है। अब थोड़ा सा गमले को रोटेट करते हुए ऐसे खींच के नहीं निकालिए, नहीं तो पूरा जो रूट बॉल का जो मिट्टी है वो हिलना नहीं चाहिए। तो कैसे भी हो हमें ये जो रूट बॉल का जो मिट्टी है इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो मैं इसको रखती हूँ साइड में। और ये जो मिट्टी है आप देख सकते हैं बहुत अच्छा मिट्टी है ये, देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा इस वाले गमले में डाल देती हूँ ताकि जो ये पौधा है उसको भी लगे कि वो अपने ही जगह पे है। तो ये देखिए, ये
अब मैं इसको इसमें रख देने वाली हूँ। ये देखिए ऐसे इसको सेंटर में आप रखिए, आगे फिर इसी मिट्टी को, बहुत अच्छी मिट्टी है ये, इसीलिए मैं इसी को डाल रही हूँ। जो प्रिपेयर्ड मिट्टी है बहुत ज्यादा यूज नहीं होने वाला है, क्योंकि इसका जो अपना मिट्टी है वही बहुत अच्छा है, इसीलिए मैं डायरेक्ट वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दे रही हूँ डायरेक्ट। ये जो बना हुआ मिट्टी है इससे इसको भर देंगे। ये जो पौधा है इसमें दो पौधा है, और ये दोनों पौधा मेरे पुराने वाले घर में जो बीज से पौधा लगाए थे उसी के बीज से ये प्लांट्स निकला था, तो वहां से मैं इसको निकाल के ये गमले में लेके आई थी जब यहाँ शिफ्ट किए थे। तो करीब 4 महीने पहले ये पौधे को हम लोगों ने छोटे वाले गमले में लगा के आए थे, और अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छा, इस समय इसका ग्रोइंग सीजन है, ठंडी में तो रुक सा जाता है ग्रोथ, तो रिपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें अच्छे से पानी डाल दूंगी मैं ताकि सेट हो जाए प्लांट। तो इस तरह आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये जब इसमें चढ़ेगा ये वाला रॉड्स पे, तो बहुत अच्छा लगता है। आप चाहे तो इस रॉड में जो रस्सी है उसको भी लपेट सकते हैं, ताकि कई बार गर्मी में ये गर्म हो जाता है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि रस्सी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह इसको प्लेस करी जहां सुबह की धूप मिले और शाम की धूप नहीं मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी फिलहाल मैं इसको कुछ इसमें बांध नहीं रही हूँ, आगे देखूंगी। ये देखिए इस तरह आप इसको इसमें लटका सकते हैं, और जब पूरा भर जाएगा फूलों से, आप अभी देख सकते हैं किस तरह इसमें कली बन रहा है, तो बहुत सुंदर दिखेगा फ्रेंड्स। तो आप अलग अलग तरीके के टोपियारी बना सकते हैं इसके, ये इस तरह रॉड्स जो होते हैं उससे बहुत आसानी से आप कोई भी शेप दे सकते हैं। ये देखिए जब इस तरह फूल लटकेंगे तो कितना सुंदर दिखेगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो और कुछ आइडिया मिला हो किस तरह हम लोग बहुत ही आसान तरीके से ऐसे टोपियारी बना सकते हैं। दोस्तों ये देखिए ये और एक टोपियारी, बस आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए। सेम ये जो वायर है उस वायर से थोड़ा सा पतली वायर है ये, और ये भी काफी अच्छा रहता है। जो भी वायर आपको अवेलेबल हो आपके वहाँ, आप ये देखिए इसमें हम लोगों ने क्या करा कि कई सारे इस तरीके का एक दो तीन इधर से उधर किए हैं, और इसीलिए आपको ऐसे छेद दिख रहा है। तो पूरा जब ये देखिए ये सिंगल पेटल जो है अपराजिता का, ये इसका है नीला रंग के अपराजिता, और आप देख सकते किस तरह ये अपने आप इसमें चढ़ते जाती है। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ता है, ये अपने आप इसका जो बेल है ये आप देख सकते हैं किस तरह कलियां लग रहा है। ये देखिए भर के कलियां लगती है इसमें, हर देखिए हर जो पत्ती वाला नोड है वहां पर एक कली लगती है, और बहुत जल्दी ये घना हो जाता है जब इसको फैलने के लिए जगह मिलती है। ये देखिए ऐसे जो टोपियारी है आप बना के बहुत अच्छा सा एक लुक दे सकते हैं इसको। तो दोनों टोपियारी को मैं रखती हूँ, ये देखिए दोस्तों आशा करती हूँ आपको आज का ये टोपियारी बनाने का जो आइडिया है अच्छा लगा हो। अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो फ्रेंड्स जरूर कर दे, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स।
तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।